आज सबसे पहले एक डिस्क्लेमर। आपको शुरुआती पंक्तियां देखकर लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनियादारी के लिफाफे में लल्लन टॉप शो पेश कर दिया, इसलिए डिस्क्लेमर, आप दुनियादारी ही देख रहे हैं। आज 2022 के भारतीय संसद में बजट सत्र का चौथा दिन, 31 जनवरी को यह सत्र शुरू हुआ था। पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण, फिर 1 फरवरी को आम बजट और 2 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर बहस। इस मौके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने 3 बड़े मुद्दों पर केंद्र को घेरने की कोशिश की थी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता। राहुल गांधी ने इसके अलावा भारतीय राज्यों के संघ पर टिप्पणी की, ये भी कहा कि ये कोई साम्राज्य नहीं, इसकी संरचना पर हमला नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि पेगासस के जरिए संघीय ढांचे की आवाज़ दबाई जा रही है। और उनके भाषण का तीसरा बड़ा मुद्दा था भारत की विदेश नीति से जुड़ा, आरोप लगाया कि सरकार चीन और पाकिस्तान को अलग थलग करने में नाकाम रही है और ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए आज के दुनियादारी में जानेंगे कि राहुल गांधी के इस बयान पर विदेश में क्या हंगामा मचा, चीन ने गलवान में घायल सैनिक के हाथ में विंटर ओलंपिक्स की मशाल क्यों सौंपी और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत के बारे में क्या कहा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये आपका अपना दुनियादारी है, वो शो जहां हम अमूमन दुनिया के प्रसंगों के बारे में जानते हैं और कभी कभी भारत के संदर्भ में दुनिया में क्या हलचल हो रही है ये जानते हैं। दुनियादारी में आगे बढ़े उससे पहले ये जान लेते हैं कि राहुल गांधी के आरोप क्या थे। पहला, राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि 26 जनवरी के मौके पर कोई विदेशी मेहमान क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी है, हम दुनिया में अलग थलग हो गए। यहाँ पर राहुल गांधी एक गलती कर गए, या यूं कह सकते हैं कि भावनाओं में बह गए। दरअसल भारत ने दिसंबर 2021 में सेंट्रल एशियाई देशों के 5 नेताओं को इन्विटेशन भेजा था 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनने के लिए। ये कौन से 5 देश थे जिन्हें बुलावा दिया गया? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनका समारोह में हिस्सा लेना तय माना जा रहा था, पर हम जानते हैं कि नया साल आया, साथ में ओमिक्रॉन आया, भारत में इसके मामले तेजी से बढ़े और इसी के बीच फिर 18 जनवरी को खबर आई कि मेहमानों का आना संभव नहीं होगा स्वास्थ्य की वजहों से। ऐसा लगातार दूसरे साल हुआ। 2021 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी के मौके पर चीफ गेस्ट बनने का न्योता स्वीकार कर लिया था, लेकिन तब भी कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे थे और इसके चलते जॉनसन का दौरा रद्द हो गया था। इस साल मेहमान भारत नहीं आए, लेकिन 27 जनवरी को उनकी भारत के साथ एक वर्चुअल समिट हुई और इस समिट में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल एशिया के ये जो 5 देश हैं इनके राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा इन देशों के भारत के साथ संबंध कैसे मजबूत हों इस पर बात हुई। भारत और मध्य एशियाई देशों के नेताओं की इतने बड़े स्तर पर यह पहली बार चर्चा हुई। भारत की इस वर्चुअल समिट से 2 दिन पहले चीन ने भी उन पर डेरा डाला था। आनंद फानंद में 25 जनवरी को नेताओं के साथ बैठक ली थी और लगभग 4000 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया था। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी की ये समिट काफ़ी अहम थी। यानी राहुल गांधी का पहला आरोप यहीं पर खारिज हो जाता है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नेताओं की विजिट कैंसिल हुई, लेकिन वर्चुअल समिट हुई और भारत के डिप्लोमेटिक रिश्तों के लिहाज से ये अहम था। अब बात करते हैं राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी के नेताओं के जवाब की। विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें पता है देश में कोरोना की लहर चल रही है। उनका तंज राहुल की विदेश यात्राओं पर भी था। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या उन्हें 27 जनवरी की समिट के बारे में कुछ पता नहीं है। अब बढ़ते हैं आरोप नंबर 2 पर। इसका संबंध भी भारत के दुनिया के साथ रिश्तों से जुड़ा है। राहुल ने कहा कि बरसों से भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान और चीन को अलग रखने का था, लेकिन आपने इन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। ये बीजेपी सरकार का भारत के लोगों के साथ किया गया सबसे बड़ा अपराध है। इस आरोप पर विदेश मंत्री ने लिखा कि राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शकसम घाटी को पाकिस्तान ने 1963 में अवैध तरीके से चीन के हवाले कर दिया था। राहुल गांधी के आरोपों का मसला अमेरिका में भी उठा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही विदेश मंत्री का बयान आया हो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों ने इस पर सवाल पूछा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने जवाब दिया कि वो इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। प्राइस ने कहा कि ये चीन और पाकिस्तान के आपस की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमरीका का रणनीतिक साझेदार है। ये तो ही राहुल गांधी के भाषण की बात। अब जानते हैं गलवान घाटी में घायल हुए उस चीनी सैनिक की कहानी जिसे बीजिंग ओलंपिक्स का विंटर ओलंपिक्स का मशाल वाहक बनाया गया है। चीन में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा है। हम दुनियादारी में विस्तार से आपको इसके बारे में बता चुके हैं, ये भी कि चीन किस तरह से इस ओलंपिक्स के दौरान अपने दमन को, अपने आलोचकों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। आपको इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में विंटर ओलंपिक्स पर विस्तार से की गई बातचीत का लिंक मिल जाएगा। तो एक तरफ चीन कहता है कि विंटर ओलंपिक्स के जरिए वो अपनी पाक साफ छवि बनाए रखना चाहता है, पेश करना चाहता है। दूसरी तरफ वो इन खेलों का इस्तेमाल अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहा है। 2 फरवरी को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी जिसका टाइटल था गलवान वैली बॉर्डर क्लैश हीरो बिकम्स 2022 टॉर्च रिले टॉर्च बियरर, यानी गलवान घाटी में हुई झड़प का हीरो 2022 ओलंपिक्स की मशाल रैली का वाहक बना। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हम जानते हैं जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन लंबे वक्त तक अपने हताहत सैनिकों की संख्या छिपाता रहा, फिर उसने कबूल किया कि झड़प में 4 सैनिक मरे। लेकिन फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई अखबार क्लैक्सकॉन ने दावा किया कि गलवान की झड़प में चीन के 42 सैनिक नदी में डूबकर मर गए थे। इस रिपोर्ट का आधार चीनी ब्लॉगर्स और गुमनाम सोर्सेस को बताया गया। गलवान की इसी झड़प के दौरान एक चीनी सैनिक की फेबाओ के सिर में चोट लगी थी। उसे बाद में शिनजियांग मिलिट्री कमांड में रेजिमेंटल कमांडर बनाया गया और अब मशाल वाहक बनाया गया है। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में लगभग 1200 मशाल वाहक है, लेकिन फेबाओ का मामला सबसे संगीन है। एक तरफ चीन खेलों को खेल तक सीमित रखने का दावा करता है, दूसरी तरफ वो इसका इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा को चमकाने के लिए कर रहा है। अमरीकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने इसका नोटिस भी लिया है। उसके एक वरिष्ठ सदस्य ने इसको लेकर चीन को लताड़ लगाई। जिम रिच इनका नाम है। इन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यह शर्मनाक है, एक ऐसे शख्स को ओलंपिक का मशाल वाहक बनाया गया जो भारत के साथ झड़प में शामिल था। अमरीकी प्रतिनिधि यही नहीं रुके, उन्होंने इन पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार का भी इल्जाम लगाया। जिम ने यह भी लिखा कि अमरीका भारत की संप्रभुता और उइगरों की आजादी का समर्थन करता रहेगा। शिनजियांग में उइगर नरसंहार के आधार पर अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर रहे हैं। इस मसले पर भारत का बयान भी आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने ओलंपिक आयोजन का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। भारत ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है। बीजिंग में भारत के राजदूत विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन या समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। यह है हमारा विरोध, डिप्लोमेटिक। हालांकि चीन को इस दबाव का या झटके का क्या कोई फर्क पड़ता है? लगता तो नहीं, वो अपने प्रोपेगेंडा को लेकर फिलहाल अडिग दिख रहा है। चीन के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात की। कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए शुरुआत भारत को करनी होगी। ये भी कहा कि भारत सरकार की विचारधारा ने संवाद के रास्ते बंद कर दिए हैं। जनवरी 2022 में पाकिस्तान की सरकार ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान भारत के साथ अगले 100 बरस तक कोई लड़ाई नहीं चाहता। इस लिहाज से मोईद यूसुफ का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। मोईद ने भारत के मसले पर और क्या दावे किए? पहली बात, कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए अहम बना रहेगा। आपस में बातचीत शुरू करने और रिश्ते मजबूत करने की कोशिश का यह मतलब नहीं कि हम अपने राष्ट्रीय हित का मुद्दा दरकिनार कर दें, ऐसा उन्होंने कहा। और क्या कहा? दूसरी बात, पाकिस्तान ने भारत को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। सार्क समिट में नहीं आने का फैसला भारत का था। मोहित से एक सवाल यह भी पूछा गया कि अफगानिस्तान तक मानवीय मदद भेजने के भारत के अनुरोध का क्या हुआ? भारत ने पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान तक का सड़क मार्ग खोलने की अपील की थी। मोहित ने कहा कि पाकिस्तान की कैबिनेट इस प्रस्ताव को अगस्त 2021 में ही हरी झंडी दिखा चुकी है, लेकिन भारत ने ही अपनी बात को भुला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार पब्लिसिटी स्टंट कर रही थी। अभी तक अफगानिस्तान में अनाज का एक दाना भी नहीं भेजा गया। ये पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार का कहना है। चीन के मसले पर मोहित ने कहा कि वो पाकिस्तान का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार नहीं है। पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते बढ़ा सकता है, बशर्ते भारत संवेदनशीलता से उसके हितों का सम्मान करे। मोईद यूसुफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के
सबसे करीबी लोगों में गिना जाता है। उनके बयानों के पीछे पाकिस्तान की सरकार का मानस है। भारत इस पहल को कैसे लेता है ये देखने की बात होगी। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी है। दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान यूक्रेन पहुंचे। वो वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। तुर्की रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात कर रहा है। अर्दोगान का दावा है दोनों देशों के नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते हैं, दोनों उनकी बात ध्यान से सुनेंगे। वैसे तुर्की का एक लालच भी है, वो नेटो का सदस्य है, पूर्वी यूरोप में जिसकी बढ़ती पहुंच से रूस चढ़ा हुआ है। तुर्की कई जगहों पर रूसी सेना के साथ भी खड़ा है। इसके अलावा उसने यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री में भी भारी निवेश किया है, इसलिए तुर्की इस तनाव को किसी भी कीमत पर टालना चाहता है। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी सीरिया से है। यूएस स्पेशल फोर्सेस के एक ऑपरेशन में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये ऑपरेशन 2 फरवरी की आधी रात इदलिब प्रांत में चलाया गया। टारगेट पर अलकायदा के आतंकी थे। अमेरिका दावा करता है कि इदलिब में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ने अपना ठिकाना बना लिया है। वहां से वे पूरी दुनिया में आतंकी हमले की प्लानिंग करते हैं। अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिशन सफल रहा और इसमें किसी भी अमरीकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि पेंटागन ने और कोई जानकारी नहीं दी। व्हाइट हेलमेट्स रेस्क्यू सर्विस ने दावा किया कि उन्हें एक घर में 6 बच्चों और 4 महिलाओं के शव मिले। सीरिया में पिछले 11 साल से सिविल वॉर चल रहा है। इदलिब बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों का अंतिम गढ़ है। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभरात्रि। पुराने किस्से सुनने नौशाद मधुबाला प्राण जैसे जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ललन टॉप सिनेमा।